मौजूदगी आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, और चौक पर चर्चा के लिए हम आए हैं जयपुर की महिलाओं के पास, क्योंकि कल ही मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है। जानेंगे क्या है जयपुर की बेटियों की राय। जी, कल मणिपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रखा है, उस पर आपका क्या कुछ? जी, ये हमें सही घटना एकदम शर्मसार कर देने वाली है। जो ये छात्र संघ वगैरह जो एक तरफ लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम लड़कियों के साथ हैं, जब चुनाव आते हैं वोट चाहिए होते हैं हम लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, और दूसरी ओर ऐसी शर्मसार घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ये कि देश को चलाने की बात करते हैं और ये छात्रों के साथ जुड़ने की बात करते हैं। हम आज के नारी हैं, हम इनसे डरेंगे नहीं, इनका लड़ाई इनसे लड़ेंगे और जीतेंगे, पीछे कभी नहीं रहेंगे हम। तो आप क्या चाहती हैं कि सरकार की तरफ से, क्योंकि जो मणिपुर में घटना है उसको लेकर भी लगातार जो है बयानबाजी की जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा, उस पर आपका क्या कुछ है? बयानबाजी ऐसे ही चलती रहेगी, हम चाहते हैं कि इनका कुछ किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए। बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, आगे हम चाहते हैं कि इनके लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाए। हमेशा यही होता है कि बहुत बयानबाजियाँ होती है, कुछ समय होता है फिर वो घटना को दबा दिया जाता है, फिर कोई और घटना होती है, फिर एक महीने बयानबाजी होगी, फिर रुक जाते हैं। ऐसे कितने दिन तक चलेगा? क्या हम हमेशा ऐसे ही दबते रहेंगे इनके आगे? हमेशा लड़की के साथ में यही होता है, क्या होगा हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स का? हमेशा यही बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी ऐसे करती है वैसे करती है, बट हमेशा क्यों? वी हैव टू फाइट, इस बार हम नहीं रुकेंगे। राइट, वी हैव टू फाइट, क्योंकि अभी मणिपुर से वीडियो वायरल हुआ है, जोधपुर में अगर बात करें जोधपुर की, वहाँ से भी लगातार दो ऐसे केसेस सामने आए हैं, तो लगातार ये जो है महिलाओं के साथ अपराध की जो घटनाएं होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ बयानबाजी की जा रही, प्रदर्शन ही किया जा रहा है, इन पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? सरकार से अगर कुछ कहना है, क्योंकि तुरंत एक्शन लेना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस इट इज, क्योंकि सरकार को जल्द से जल्द इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, और हमसे जितना हो सकेगा हम लोग उतना प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ में जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सब लोग इसके अंदर पूरा साथ देंगे। बट आपको लगता है प्रोटेस्ट करने से जो घटना हुई है जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रखा है, जहाँ पर दो लड़कियों को निर्वस्त होकर पहले चलाया गया, फिर उसके बाद उनके साथ रेप किया गया, आपको लगता है प्रोटेस्ट करने से ये चीज़ हेल्प करेगी? क्योंकि ये देश के सामने आएगी, कहीं किसी का तो खून खोलेगा, कम से कम हम लोग सब हैं इस देश के अंदर। आप उन लड़कियों के साथ हैं, आप उनको न्याय दिलाने में क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जितना हमारे से पॉसिबल होगा हम लोग करेंगे, जो हमारे हाथ में हम लोग करेंगे, क्योंकि हम भी इसी देश की नारी हैं, हम इसी सोसाइटी में रहती हैं, और हमें भी ये फ्रीडम चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर। जी, आपका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? लगातार चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, या वो देश का कोई भी कोना हो, हर जगह से लड़कियों के साथ ऐसे रेप केसेस हो गए, या अश्लीलता की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है, तो उस पर आपका क्या कहना? मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं हो, इसमें है ना गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी होती ना तो किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि ऐसे रेप कर सके, वो भी खुलेआम ऐसी शर्मसार हरकत कर सके। करने से पहले भी लोग एक बार तो सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसी, अगर एक्शन लेते हैं तो उनको ये करने से उनका दिल खोलता है कि हाँ सुना करें। आपको नहीं लगता इसके लिए कोई एक ठोस कानून बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट बना सकती है तो बनाना चाहिए, लेकिन उनको एक्शन भी लेना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि अगर आज एक के साथ हुआ है तो आगे कई और लड़कियों के साथ भी हो सकता है, और हम इस देश में नारी और पुरुष दोनों रहते हैं, कोई ये तो नहीं है कि सिर्फ पुरुषों का देश है, इसमें नारी भी है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सब कानून बनाना चाहिए ताकि आगे हमारे साथ ऐसी हरकतें ना हो। आपने एक्शन की बात की, आप किस प्रकार के एक्शन की बात करें जो सरकार को लेना चाहिए या पुलिस को लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से? अगर कुछ भी ऐसी हरकतें हो रही है, या तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून बनाना चाहिए जिससे उनको कोई भी मतलब अपराध, दंडनीय अपराध ये दिया जाए, जिससे वो डर करके ऐसा कोई काम ना करें, जिससे नारियों को कोई भी मतलब वो प्रोटेक्शन नहीं महसूस हो। कानून को भी उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये नहीं है कि अगर नारियों के साथ कुछ हो रहा है तो कानून अंधा बन के बैठा है, उनके साथ उनको आंखें खोलनी पड़ेगी, और अगर कोई गलत काम हो रहा है तो जल्दी से जल्दी उनको कानून को सहायता देनी पड़ेगी। आप भी एक लड़की हैं, इस तरह के जब केसेस आते हैं, चाहे वो मणिपुर से आए, चाहे वो हमारे राजस्थान से आए, जयपुर से आए, जोधपुर से आए, दिल्ली से आए, दिल्ली भी काफ़ी भयानक हुआ था, कहीं ना कहीं
बाद भी हो सकता है, तो उस पर आपका क्या कुछ? मैं जब ऐसी कोई घटनाएं होती है, एक तरफ तो ये हमें डरा देती है बहुत तरीके से, जब हम भी यहाँ घर से दूर रहते हैं तो हम भी बाहर निकलते हैं, घर वालों की तरफ से दबाव बनता है, और इन चीज़ों का लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि गाँवों में लोग डर जाते हैं कि हम बाहर भेजेंगे हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे बढ़ने से बहुत गलत तरीके से रोक रहा है। दूसरी तरफ हम खुद नहीं अकेले जाने से डरेंगे, आगे बढ़ने से डरेंगे, और एक तरफ हम चाहते हैं कि कुछ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन कई बार इनको दबाने के लिए भी ऐसे गलत काम कर दिए जाते हैं, तो लड़कियाँ जब आगे बोल भी नहीं पाती हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये तो कुछ घटनाएँ हैं जो हमारे सामने आ पाती हैं, हमारे हिंदू समाज में न जाने कितनी ऐसी घटनाएँ होती हैं जो सामने भी नहीं आ पाती हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, अगर इन चीज़ों को एकदम कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो औरतें हैं वो और आगे प्रगति की ओर बढ़ेगी और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। जी, अगर बात जैसे आपने बोला कि इन घटनाओं को दबा दिया जाता है, अगर बात मणिपुर की घटना की जाए तो 4 मई को ये घटना होना बताया जा रहा है, लेकिन आज जो है इसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उस टाइम पे भी घटना कहीं अधिकारियों को इस बारे में पता होगा लेकिन इतने टाइम तक इस बात को दबा के रखा गया? जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब तक लोगों के सामने नहीं आती हैं चीज़ें, उन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घटना दबी हुई है या किसी ने पीड़िता के साथ क्या बीत रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। तो सच में ऐसी घटनाएं बहुत लंबे समय तक दबी जाती दब जाती हैं, और कितने कितने सालों बाद उनके फाइलें पड़ी रहती हैं, ना कुछ उनके साथ होता है, तो जब तक सरकार जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, कड़े कानून नहीं बनाएंगे, सीधा फांसी पे चढ़ा देना भी इसका कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाओगे, उनकी मानसिकता पे हमें वार करना होगा कि लोगों की गंदी मानसिकता ही क्यों है ऐसी, आपको शुरू से ऐसे कानून बनाने चाहिए और तभी आगे बढ़ पाएगा देश, और ये चीज़ें तभी जब तक रहेंगी उतनी ज़्यादा होती रहेंगी। आपको क्या लगता है कि जब ऐसे केसेस सामने आते हैं इसके पीछे क्या उनकी मानसिकता रहती होगी लोगों की, क्योंकि जो मीडिया अगर आपने देखा तो उसमें पहले लड़कियों को काफ़ी दूर तक चलाया गया, उसके साथ रेप किया गया और गैंग रेप किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाले, तो क्या कुछ मानसिकता रही होगी लोगों की उस टाइम? काफ़ी लोग भी रहे होंगे लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या कुछ लोगों की मानसिकता आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ लोगों की मानसिकता होनी चाहिए या इसको हम कैसे बदल सकते हैं? सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि वो नारी को कमज़ोर समझना, और जो नारी खुद को कमज़ोर समझती है, अगर वहीं उन लड़कियों ने कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्गली वहाँ उनके अगेंस्ट कुछ किया होता तो शायद वो इतना कुछ ना कर पाते, और दूसरी तरफ लोग जो उन्हें कमज़ोर समझते हैं कि ये क्या कर लेंगी हमारे सामने, ये खुद को कमज़ोर समझने की और उन औरतों को उन मर्दों के द्वारा कमज़ोर समझना, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, इसी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। जब तक इनको ये विश्वास नहीं दिलाया जाता कि आप भी इतनी ही स्ट्रांग हो, नारियों में भी खुद में ये बिलीव होना चाहिए कि मैं भी इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इनके खिलाफ बोल सकती हूँ, तभी ये चीज़ें सुधरेंगी। सबसे मेन जड़ यही है कि अपने आप में आप इतना कमज़ोर समझते हो। एक आखिरी सवाल, आप क्या कुछ चाहती हैं किस प्रकार, जैसे आपने एक्शन की बात की, आपने कहा कि कानून होना चाहिए, किस प्रकार का कानून होना चाहिए जिससे इस तरह के जो अपराध हैं उन पर लगाम लगाई जा सके, रोक लगाई जाए? आपके हिसाब से ऐसा कौन सा ठोस कानून है जो सरकार को लाना चाहिए या जो हमारे अधिकारी उनको लाना चाहिए? देखिए, कानून तो अभी भी बहुत सारे हैं, बस बात यही है कि जो भी कानून आप लगा रहे हो उन्हीं पे स्ट्रॉन्गली वर्क करना, उन पे पकड़ बनाना। कानून हमारे पास बहुत है कि आज आपने शिकायत की लेकिन एक्शन ही नहीं होता है उन कानूनों का, क्या मतलब जब तक उन पे काम नहीं किया जा रहा है? तो लड़कियों को एक तो बोलने की इतनी कि वो डरे नहीं, एक अपने जो आसपास समाज हमारा सबसे बड़ा कानून होता है जो लोगों को सिखाता है कि आप हम आपके साथ हैं, उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए पहले इन चीज़ों को लेके कि लड़कियां बोल पाएँ, उसके बाद सरकार को जो भी कानून वो बना रही हैं उन पर इतना स्ट्रॉन्गली वर्क करो कि आगे कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये नहीं कि 10 साल 20 साल कोई केस पड़े, अरे लड़की तो मर जाएगी तब तक क्या तुम उसके बाद कुछ एक्शन लोगे? तो ये है कि जो भी कानून लगा रहे हो इंस्टेंट थोड़ा वर्क हो, जल्दी से जाँच पड़ताल अच्छे से की जाए, वरना ऐसे केस पता नहीं कितने समय तक चलते रहेंगे और हमारा देश कितना पिछड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ें घटनाएं हो रही है इसके पीछे जो भी अपराधी है या लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है समाज की तरफ से जो मानसिकता है उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें जो है मेरे हिसाब से ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट होती है, तो लड़कों की मानसिकता हो गई या किसी भी उनकी मानसिकता हो गई, क्या ये ग्राउंड लेवल से ही उनको सही नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, ये हमारी
हमारी सोसाइटी में जब तक ये रहेगा, जब बचपन में ही लड़कों को दिखाया जाता है कि तुम थोड़े स्ट्रांग हो, तुम बाहर के काम करने लायक हो, लड़कियां थोड़ी सी तुमसे कम स्ट्रांग है सो वो अंदर के काम करेंगे, ये स्टार्टिंग से जब बच्चा ग्रो करता है तभी से ये चीज़ें डेवलप हो जाती है कि आप तो इनसे बहुत स्ट्रांग हो और आपको आगे चल के ऐसे ऐसे करना है। तो उनमें वो स्ट्रांग, कई लोगों में वो स्ट्रांग फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, कौन मेरा क्या कर लेगा। तो यही चीज़ें हैं कि आपको बचपन से जब फैमिली सिखाएंगी कि तुम भी उसके जितने ही हो, ये भी तुम्हारे जितनी ही स्ट्रांग है, तुम इसके खिलाफ कुछ करोगे ये उससे भी स्ट्रांग एक्शन ले सकती है। तो ये राइट्स जब गर्ल्स के पास होंगे और जब तक स्ट्रांगली गर्ल्स वर्क करेंगी खुद के लिए तभी कुछ हो पाएगा। मतलब बेसिकली फैमिली लेवल पे जो इक्वालिटी है वो रहनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने जयपुर की बेटियों की राय जानी कि क्या कुछ उनकी राय है मणिपुर में जो क्राइम हुआ है इतना, जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रखा है, इसके अलावा जो भी रेप केसेस आते हैं उन पर भी आपने इनकी राय जानी है, और सभी का यही मानना है कि सरकार को जो भी कानून है या तो कोई ठोस कानून लाए या जो कानून है उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके और उन पर एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं और जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और जब जो घटना हुई है उसी टाइम पे उस घटना पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसका वीडियो अगर वायरल हो रहा है या किसी की प्रतिक्रिया आ रही है उसके बाद इन चीज़ों को वायरल होना चाहिए। इसके अलावा जो है नारियों को भी सशक्त होना पड़ेगा, उन्हें भी अपने आप में विश्वास दिखाना पड़ेगा, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको उसी टाइम जो है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपने आज जयपुर की बेटियों की राय जानी है। इसी तरह के और चौक पर चर्चा के कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हूँ श्रुति, देखते रहिए राजस्थान चौक।